दलित मुस्लिम साथ चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस्लाम में न खुद मानने की इजाजत है, न किसी को मानने की इजाजत है। है या नहीं? न खुद मानने की इजाजत है, न किसी को मानने की इजाजत है। लेकिन जालिम जब जुल्म हद पार कर जाए तो उसे समझिए, उसे कहां तक इजाजत दी है कि अपने बीच में हटाने की इजाजत है। तो दोस्तों, ना हम किसी का बुरा सोचते हैं, ना हम सोचेंगे। हम एक कायर अपना चुनना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक कायर चुनना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री के रूम में शौकत अली साहब है। हम लोग अगर एक हुए, दलित और मुस्लिम, इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग राज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी हद तक हो। आप लोग, मैंने अभी एक जगह हम लोग बैठे थे, हमने एक बयान दिया था, एक आपस में बात कर रहे थे कि भाई इस्लाम की बातें चल रही थी। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि हम लोग एक बच्चा बनाए या दो बच्चा बनाए, हैं? बताइए, कहता है? खिलाने वाले अल्लाह ताला है और परवरिश करने वाला अल्लाह ताला है। हाँ, नारा लगा था और बाबर कोई गलत नहीं था। बाबर जैसा शासन होना चाहिए। जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, एक समुदाय को काटने की बात होती है धर्म संसदों में, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। दलित और मुस्लिम मिल जाए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपना बन जाए तो फिर ये दबे कुचले जो लोग हैं इन पर अत्याचार नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन नहीं होगा। ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ होगा, संविधान के दायरे में रहकर इंसाफ होगा और बाबर जैसा राज होगा।